आपके यहाँ कर्मचारियों की व्यवस्थाएं परेशानी आ रही है, काम नहीं हो पा रहा है समय से। नहीं, कार्य तो हम करा रहे हैं, पूरा प्रयास करें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है। इस समय हमारे यहाँ जो पद स्वीकृत हैं, 3 वरिष्ठ सहायक के पद स्वीकृत हैं, तीनों खाली पड़े हैं। 3 कनिष्ठ सहायक के पद हैं, तीनों खाली पड़े हैं। वृद्धा पेंशन में 3 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 2 पद भरे हुए हैं, जिसमें एक कर्मचारी जनवरी में रिटायर हो रहा है, एक कर्मचारी बीमार चल रहा है। क्षेत्रीय सुपरवाइजरों से चार कार्यालय काम कराया जा रहा है। इसके संबंध में मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को और अपने निदेशालय को अवगत कराया गया है और कर्मचारी की डिमांड की जा रही है, और कर्मचारी के अभाव में कार्य तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन तब भी प्रयास किया जा रहा है कि कार्य प्रभावित ना हो, लेकिन बिना वर्कर्स के, बिना हैंड्स के काम में तो समस्या आ ही रही है। सर, ये कब से प्रॉब्लम आ रही है कर्मचारियों की कमी ये की? पूर्व से ही कर्मचारी कम थे, लेकिन अभी एक दो कर्मचारियों को तत्काल जो है रिलीव करना पड़ा और कुछ का स्थानांतरण हो गया, इसलिए इस वित्तीय वर्ष में ज़्यादा समस्या है। वैसे तो इस जनपद में पहले भी कर्मचारी कम थे, लेकिन इस बार कुछ अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा ही कम हो गए हैं, जिसके वजह से ये समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो रही है और प्रयास किया जा रहा है जितनी जल्दी कर्मचारी मिल जाए, जिससे हमारा कार्य प्रभावित न हो। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के अपेक्षाओं पर खड़े होते हैं, इसके पूरी